नमस्कार, मैं शारदा पांडे, आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि शनिवार एक ऐसा दिन है, मैं आपको बताऊँगी कि इस दिन आपको क्या क्या खरीद के नहीं लाना है बाज़ार से और क्या क्या नहीं करना है, जिससे कि शनि नाराज़ हो सकते हैं और आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको आज बताऊँगी कि आप अगर किसी दिक्कत में हैं, आपका नुकसान किस लिए हो रहा है, आप किस बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान देने योग्य आपको बात बता रही हूँ कि शास्त्रों अनुसार, वैसे तो घर में सभी बड़े बूढ़े बताते ही रहते हैं अपने बेटियों को, बहुओं को, कि क्या करें क्या ना करें, तो इधर उधर दिमाग उनका होता है तो उस चीज़ को नहीं मानते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या मानना चाहिए जो कि शास्त्र अनुसार। तो सबसे पहले शनिवार के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए। वैसे सात्विक आहार तो हर दिन लेना चाहिए, जो पहले भी कई वीडियो में बताई हूँ कि मांसाहार करना, दारू शराब सिगरेट नशा, ये सब बहुत ही खराब चीज़ है। इससे धन और स्वास्थ्य दोनों की हानि होती है, घर परिवार में कलह बढ़ता है। और जो धार्मिक जो हम कार्य करते हैं, जैसे जो दारू शराब पीते हैं वो तो पीते ही अपना नुकसान, धन का नुकसान करते ही हैं, घर में भी जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसका भी पुण्य फल प्राप्त किया नहीं जा सकता। इसलिए सभी लोग सात्विक बन जाएं सभी दिन, लेकिन विशेष शनिवार के दिन। अगर शनि रुष्ट हैं आपके तो शनिवार के दिन मछली मांस अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अनिष्टकारी होता है, पहली बात। दूसरी बात है, जैसे कि कुछ भी जैसे ज़रूरत पड़ता है तो वैसे तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ज़रूर ध्यान दें कि शनिवार के दिन सरसों का तेल, जैसे मान लीजिए आप शनिवार के दिन किराना ला रहे हैं या अलग से भी तेल ला रहे हैं, तो सरसों का तेल नहीं लाना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल से शनि मूर्ति हो अगर आपके आसपास में कहीं मंदिर में तो अभिषेक करना चाहिए, और शनिवार का दिन तेल खरीद के नहीं लाना चाहिए। ऐसे कि खरीद के लाने से काफ़ी नुकसान होता है, जैसे शनि की जो चीज़ें होती हैं वो शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए न लाना चाहिए। पीपल वृक्ष हो या न भी हो, ऐसे पीपल वृक्ष बहुत दूर दराज में है तो घर में ही तेल का दीपक शनि जी के नाम से जलाना चाहिए। अगर पीपल हैं तो उसमें भी चहुमुखी दीपक आप शनिवार के दिन जला सकते हैं, पर तेल पहले से खरीद के लाएँ उस दिन नहीं लाना चाहिए। उसी प्रकार से लोहा की चीज़ कोई भी, चाहे कील हो, कढ़ाई हो, चिमटा हो, कुछ भी चीज़ हो लोहे का, वो भी शनिवार के दिन नहीं लाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन सब चीज़ों में शनि जी का वास रहता है और वो उसी के साथ घर में आ जाते हैं, जिससे कि घर में उपद्रव, तनाव, धन हानि, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, अशांति। तो ये सब चीज़ों की बातों का जो शास्त्र अनुसार है इनका ध्यान रखना चाहिए, तभी घर में सुख शांति और संपन्नता बनी रहती है। उसी प्रकार से शनिवार के दिन नमक खरीद के लाने से भी कर्जदार यानी जो कर्ज होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, तो शनिवार के दिन नमक भी खरीद के नहीं लाना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और पहले से ही, जैसे जो चीज़ की आवश्यकता हो तो पहले से ही नमक वगैरह खरीद के ला के रख लेना चाहिए। कई वीडियो में बताई भी हूँ कि शनिवार के दिन जैसे कि घर में पोछा लगाना है तो नमक डाल के लाएं, सब करें तो सब भी उपाय में आता है, इससे भी सुख समृद्धि बढ़ती है। लेकिन जो चीज़ खरीदने के लिए मना किया गया है कि इस दिन न खरीदें, तो उस दिन वो चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि शनि के प्रसन्नता के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। शनि से संबंधित, जरूरी नहीं कि लोहा और तेल और नमक ही है, शनि से संबंधित ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि खरीदारी शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए। जैसे काले जूते जो कि विशेषकर चमड़े के होते हैं उनको भी नहीं खरीदना चाहिए। कैंची, चक्की, अब चक्की किसको बोलते हैं, चक्की तो कोई खरीदता नहीं ज़्यादा, जैसे कि जो पीसने वाला चीज़ होता है उसको चक्की बोलते हैं, चाहे वो आटा पीसने वाला चीज़ हो। जैसे मैं अभी एक दिखाई थी दाल पीसने वाला, जो भीगी हुई दाल होती है वो आपको दिखाई थी अपने आसान ज़िंदगी चैनल में, उसको भी चक्की बोला जाता है। तो जो भी पीसने वाली चीज़ हैं पत्थर से संबंधित उसको भी चक्की बोलते हैं, तो शनिवार के दिन चक्की भी नहीं खरीदना चाहिए। विशेषकर चमड़े का, जैसे मैं जूता बताई हूँ तो जूता के साथ साथ पर्स, बेल्ट, जो भी चीज़ चमड़े की होती हैं उसमें भी शनि का वास होता है, इसलिए चमड़े की चीज़ें विशेषकर जूता नहीं खरीदना चाहिए शनिवार के दिन। कैंची यानी कैंची, जैसे मान लो कि और कोई धातु का हो तब भी कैंची या लोहे का विशेषकर होता है, तो इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। ये सब चीज़ें ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं
वो भी चीजें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ में तमाम पेट्रोल डीजल भी आते हैं, तो अब आदमी का कहीं खत्म हो गया तो अब कहे कि शनिवार हो तो ना भराएं, तो ऐसा नहीं है। केरोसिन वगैरह जो चीजें हैं इन सब चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। स्याही जैसे हुआ, स्याही गाढ़ा नीला होता है, इन सब में शनि का वास होता है, तो इन सब चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी एक विरोधी उपाय, जैसे कि अगर किसी का कोई शत्रु है और शत्रु जो पसंद करता है तो दूसरे पक्ष का जो शत्रु है उसको उसका विरोध करता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि और क्या चीज़ है जो कि शनि से संबंधित तो नहीं है लेकिन फिर भी उसको शनिवार को दिन नहीं लाना चाहिए। जैसे मसूर या मसूर की दाल, ये सूर्य और मंगल से संबंधित है और शनि जी सूर्य और मंगल दोनों के शत्रु हैं, इसलिए इस दिन ये चीज़ लाने से शनि रुष्ट होते हैं, नाराज़ होते हैं, अपना कोप उस व्यक्ति के ऊपर करते हैं जो इन चीज़ों को लाता है जो उनको पसंद नहीं है। और जो मैं बताई हूँ लोहा नमक ये सब चमड़े की चीज़ें, इसमें शनि वास करते हैं, इसलिए शनि घर में आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इस दिन इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन जो शत्रु पसंद करता है उन चीज़ों को भी शनिवार के दिन नहीं लाना चाहिए। मसूर मंगल का चीज़ है और भगवान सूर्य का चीज़ है, इसलिए शनिवार के दिन मसूर की दाल न लाएं और न खाएं। इस दिन इन सब चीज़ों को करने से घर में अशांति, द्वेष, उलझन, जैसे मैं आपको नमक को बताई कि नमक उस दिन लाने से जैसे कि आपका कभी 10,000 कर्ज है, अगले हफ्ते में बढ़ के 20,000 हो जाता है, कर्ज चुकाने की नौबत नहीं आती, कर्ज बढ़ता जाता है। और जो मैं आपको मांस मदिरा का बताई हूँ तो ये तो चलन में आ गया है, ये काफ़ी नुकसानदेह है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं खुद व्यक्तिगत ऐसे तमाम लोगों को देखी हूँ जो कि इन सब चीज़ों को, तमाम ब्राह्मण भी इन सब चीज़ों को, कई लोग तो इसका धंधा करके, ब्राह्मण लोग इसका धंधा किए, यानी शराब का और ये सब चीज़ों का, अच्छे खासे थे, लेकिन ये धंधा करने से ऐसा चमत्कारी परिवर्तन आया, ऐसा उनका परिवार सहित वो ध्वस्त हो गए, वो एकदम से नेस्त नाबूद हो गए। कई ऐसे हमारे खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं, जिसको मैं देखी हूँ। मैं आप लोग के आपकी उन्नति के लिए बता रही हूँ, प्रगति के लिए बता रही हूँ कि आप लोग भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो तत्काल ही बंद कर दें। भले ही आपकी उन्नति कम हो, कम ही आपके पास हो, लेकिन आप जन से हीन न हो, भले धन से हीन हो जाएं, इन सब कार्यों को करने से ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं बचता है। दारू का धंधा भी करना, दारू पीना तो बहुत ही ख़राब है, दारू का धंधा करना, मांस मछली खाना, मांस मछली का धंधा करना, यानी बोलते हैं चलो हम ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ, हम खाते थोड़ी, हम इसका धंधा करते हैं, हमारा रोजगार है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं हिंदुओं में जो कि विशेषकर ब्राह्मणों को मना है, यहाँ तक कि फल और दूध, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें बेचना भी ब्राह्मणों को मना है। ब्राह्मण वेद पाठी होते हैं, ज्ञान उनको दूसरों को ज्ञानित करना चाहिए, टीचर हैं, सब तमाम उनका अलग ही उनका होता है रोजगार, उनको करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसा कोई भी कार्य न करें जिसको कि बाद में पछताने से भी कोई चीज़ वापस नहीं आता। ऐसे तमाम हिंदू, तमाम ब्राह्मण, तमाम ऐसे लोग हैं कि मांस मदिरा मछली शराब दारू सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, तिथि अनुसार भोजन भी करते हैं कि इस तिथि को ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, अन्न में भी उनको तिथि अनुसार ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो वो काफ़ी, अब ये कहो कि भले करोड़पति नहीं है, लखपति नहीं है, फिर भी उनको खाने पहनने और रहने का कमी नहीं है, 4 दिन का जीवन है। जो करोड़पति हैं वो भी दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, घर में रहते हैं, भले ही घर आलीशान न हो लेकिन सुख शांति मड़ई में भी कुटीर में भी मिल जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम जैसे अपने भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, बहुत ही पुण्य रहा होगा तभी इस भूमि पर जन्म लेकर अगर हम दुष्कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ शनिवार के दिन, शनि भगवान को न्याय का देवता कहा गया है, वो न्याय भी करते हैं, जज भी हैं, तो शनि भगवान को आप माने शनिवार के दिन, इसीलिए व्रत कहा गया है, व्रत करें बिना नमक के। तमाम हम अपने जो हमारे ऑफलाइन तमाम हमारे यूजर जो जुड़े हैं उनको मैं बहुत सारे लोगों को तमाम व्रत बताए, अपने से बताए कि हम ये व्रत रहते हैं, हमको कोई फल नहीं हुआ, हम ये व्रत रहते हैं। मैं बोली वो मैं बताई पूछी उनसे कि आपके साथ क्या क्या हुआ, तो बताने लगे। मैं बोली आपके शनि खराब हैं, शनि का कोप है, आप शनिवार का दिन व्रत करके, विशेषकर जब पीपल की पूजा बताती हूँ तो साक्षात वासुदेव हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ उसमें जैसे गौ माता के साथ
गौ माता के अंदर बहुत सारे करोड़ों देवी देवता रहते हैं, वैसे पीपल एक ऐसे वृक्ष हैं कि उसमें भी बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, जिसमें शनि भगवान भी शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले विराजमान रहते हैं और सूर्य अस्त के बाद दीपदान का काफ़ी महत्व होता है। ये समझ के कि शनि भगवान हमारे सामने हैं, दीपदान करना और सात्विक आहार करके शनिवार का व्रत कम से कम 33 शनिवार करो। और आप हमारे इस अनुभव को जरूर बताना कि आपको अगर कष्ट न दूर हुआ हो शनिवार का व्रत करके, पर पूरी श्रद्धा से कि आप जिसकी व्रत कर रहे हैं वो आपका पूरा जो कष्ट है दूर करके आपको मनोवांछित फल देगा। इसी प्रकार से जो बताई हूँ आप इसको करें और कमेंट में बताएं जरूर, यानी 33 शनिवार में बताई हूँ, 2-4 शनिवार आप करेंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि शनि भगवान आपके अनुकूल हो गए हैं। तो आप कमेंट करके बताना, जैसे कि जो मैं चीज़ें आपको बताई हूँ, जब मैं कोई चीज़ बताती हूँ लोगों को, जो हमारे यूजर हैं उनको बताती हूँ, तो बोलते हैं कि पहले मैं शनिवार को लोहा खरीद ली थी या तेल या नमक या चमड़े का बेल्ट या पर्स या जूता या चप्पल कुछ भी। तो अगर व्यक्ति को अनजाने में कुछ किया है तो उसको दोष भी अनजाने में, यानी वो दोष भी अनजाने में ही भुगत लेता है, उसको पता भी नहीं चलता। लेकिन जब हम कोई कार्य जानबूझकर करते हैं तब उसको होशो हवास में उसको दंड भी होश में मिलता है। इसलिए आप पहले अगर कुछ कर चुके हो तो कोई बात नहीं, क्षमा याचना प्रायश्चित के लिए भी भगवान प्रावधान बनाए हैं कि आप प्रायश्चित कर लो, क्षमा याचना कर लो, लेकिन आगे से कभी भी ऐसा ना करें। तो ये वीडियो मैं आपके सहूलियत के लिए और आपके उन्नति के लिए बताई हूँ। इसी तरह के वीडियो आगे भी हम आपको बताते रहेंगे, जिससे आप दिक्कत से उबर के सुख शांति और संपन्नता से जी सकें। और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।